साथियों नमस्कार, मैं सेल्फ मनोज कुमार और आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो WWE के बहुत बड़े रेसलर हैं और जिनका नाम है जॉन सीना। साथियों मैं कोई WWE को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, कोई रेसलिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मगर जो जॉन सीना है उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा और वो उनका एक टैग लाइन है नेवर गिव अप, यानी कि कभी भी गिव अप मत करना। और वो हमेशा आपके ओपोनेंट के साथ जब भी कोई रेसलिंग खेलते हैं तो आखिरी सांस तक, चाहे वो रेसलर किसी भी पंच मार मार के थक जाए, मगर ये आखिरी सांस तक हार नहीं मानते और इसीलिए उनके जितने भी मैच है उससे मैक्सिमम मैच वो उनके नाम कर चुके हैं और बहुत सारे टाइटल जैसे कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जैसे टाइटल बहुत बार वो जीत चुके हैं और वे ऐसे शख्सियत है और सबके लिए रेसलिंग में जॉन सीना को उनके ओपोनेंट हराना चाहते हैं और बार बार गिराना चाहते हैं पर वो हार नहीं मानते, आखिर सांस तक गिव अप नहीं करते। वैसे ही हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे चैलेंज आएंगे, बहुत सारी दिक्कत आएंगे, पर हमको गिव अप नहीं करना, यानी कि हार नहीं मानना है। जब भी कोई चैलेंज आए, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, हमको एक लाइन याद रखना है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। हमारे दिमाग में ये बैठ जाता है कि अब जो हो गया हो गया, अभी तो ये समस्या चल रहा है, वो समस्या चल रहा है, अब जितना हो चुका है वो हो गया है, इस महीने और कुछ नहीं हो सकता, पर बार बार यही बात हम सोच सोच के आगे नहीं बढ़ पा रहे। पर अगर हम सोचेंगे हमको गिव अप नहीं करना है, आखिर सांस तक लास्ट तक लड़ना है, तो कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम हमको आगे बढ़ाने से रोक नहीं सकता। और ये और एक बार बताना चाहूंगा, दिमाग में एक बात फिट कर लिए, हमको गिव अप नहीं करना है, हमको हमेशा एक लाइन याद रखना है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। अगर ये हमारा दिलो दिमाग में बैठ गया तो कोई भी शक्ति, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज, कोई भी इंसान हमको हरा नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच।